أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صلوات الله एक मर्तबा और बुलंद तर बिरादरान ईमानी, हमारा उन्वान गुफ्तगु इरफान रिसालत कुरान हकीम की रोशनी और रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। इस उन्वान के लिए हमने जिस आयत का इंतखाब किया है वो सूरह मुबारक फतह की आखिरी आयत है, जिसमें मानवी फतूहात की बड़ी कुंजियां पोशीदा हैं। कल मैंने एक इशारा किया था कि ये कुरान मजीद की वो आयत है कि जिसमें 28 के 28 हरूफ मौजूद हैं और जो हर्फ शनास हो, कुरान मजीद का तो अंदाज़ ये है जैसे हज़रत मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा ने अपनी एक रुबाई में ख़ुद अपने लिए कहा था, तो वो तो शायर की तअल्ली होती है मगर कुरान पाक के ताल्लुक से वो एक हकीक़त है। उन्होंने कहा था कि जब हर्फ शनास हो तो खुलता हूँ मैं। जब हर्फ शनास हो तो खुलता हूँ मैं। तो कुरान मजीद की शान भी यही है कि कोई हर्फ शनास कुरान हो तो वो खुलता चला जाता है। ये मैंने अक्सर अर्ज़ किया है, अक्सर मुतवज्जह किया है कि कुरान मजीद की तिलावत से गफरत न करें। ये बड़ा इनाम इलाही है इंसानों पर, कुरान मजीद को पूरी तहारत के साथ पूरे अदब के साथ पढ़ें। कुरान मजीद का फैज़ान मानवी बहुत है। कोशिश करें कि कुरान मजीद की ज़बान भी सीख लें, यानी अरबी ज़बान। अगरचे सादा अरबी ज़बान सीख लेना क़ुरान की ज़बान सीख लेने के मुतरादिफ नहीं है, इसलिए कि अरबी ज़बान में अलग कैफियत हैं और क़ुरान मजीद की ज़बान में कुछ अलग कैफियत हैं। इसके लिए भी मैं मिसाल दूंगा। अभी मैंने दबीर का मिसरा पढ़ा था, अब मैं अनीस की मिसाल दूंगा। सबका कलाम उर्दू में है, मीर का भी गालिब का भी। द
दबीर का भी अनीस का भी, मगर कहीं कहीं अनीस ये कहते हैं, उनके तज़किरा नगारों ने आप हजरात की तो माशाल्लाह अदबी बसीरत भी खासी बालिदा है। अनीस के मुतालिक मशहूर है, वो कहा करते थे कि ये मेरे घर की ज़बान है, अहले लखनऊ ऐसे नहीं बोलते। कोई मुहावरा वो मखसूस जब अपने शेर में बांधते थे तो कहते थे ये मेरे घर की ज़बान है, ये हमारे घर की ज़बान है, अहले लखनऊ ऐसे नहीं बोलते, अहले दिल्ली ऐसे नहीं बोलते। तो है तो उर्दू, दिल्ली वाले भी उर्दू बोलते हैं, लखनऊ वाले भी दिल्ली बोलते हैं उर्दू बोलते हैं, लाहौर वाले भी उर्दू बोलते हैं, सबकी ज़बान उर्दू है, मगर अनीस का कलाम कोई ख़ास अंदाज़ रखता है, जिस पर वो नाज करते हैं कि ये मेरे घर की ज़बान है। ऐसे ही अरबी ज़बान अरबी ज़बान है, तमाम अरब ये ज़बान बोलते हैं, मगर क़ुरान मजीद की ज़बान खुदा के घर की ज़बान है। खुदा के घर की ज़बान किससे सीखें, किससे सुनें, किससे मालूम हो कि खुदा के घर की ज़बान क्या है? भाई घर की ज़बान की शान ये होती है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी जानते हैं कि घर की ज़बान क्या होती है। और किसी से पूछें या ना पूछें, खुदा के घर में जो बच्चा पैदा हुआ हो उसी से पूछ लें। जबकि वो बच्चा ऐसा है जिसने खुद बड़े होकर ऐलान किया, बार बार ऐलान किया, मदीने में ऐलान किया, मक्के में ऐलान किया, बसरे में ऐलान किया, कूफे में ऐलान किया, सलूनी सलूनी कबलान तफ़क़दूनी, मुझसे पूछ लो पूछ लो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूँ, कबल इसके कि तुम मुझे खो दो मुझसे पूछ लो, मैं क़ुरान मजीद की एक एक आयत के बारे में जानता हूँ कि कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई या दिन में नाजिल हुई, सफ़र में नाजिल हुई या हज़र में नाजिल हुई, बर में नाजिल हुई या बहर में नाजिल हुई, एक एक आयत के असरार से वाकिफ़ हूँ। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बार बार ऐलान फरमाते रहे, हैफ है कि मुसलमानों ने आपसे इस्तेफादा नहीं किया, हैफ है, ये तो तारीख़ है। बहरहाल अगर हम अहले बैत अतहार की मोहब्बत रखें, उनकी विलायत रखें, उनसे अहद वफ़ा का पास व लिहाज रखें और फिर पूरी तहारत के साथ क़ुरान मजीद की तिलावत करें, तो ये क़ुरान मजीद अपने असरार मुनकशिफ करता है, ख़ुद अपने असरार मुनकशिफ करता है। जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते, उनके लिए भी ये उज़्र नहीं होना चाहिए कि हम तो अरबी जानते नहीं हैं, क़ुरान पढ़ेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क़ुरान मजीद का फ़ायदा फिर भी होगा। बेशक बेहतर यह है कि क़ुरान मजीद की ज़बान सीखें और उसके साथ साथ क़ुरान पढ़ें, लेकिन अगर ज़बान अरबी नहीं भी आती है तो क़ुरान का पढ़ना तर्क ना करें, क़ुरान फिर भी पढ़ते रहें, इसलिए कि क़ुरान की शान ये है कि वो अपने वफ़ादार तिलावत करने वालों के दिल को ख़ुद रोशन कर देता है। हाँ, वफ़ादार तिलावत करने वाले की क़ैद मैंने इसलिए लगाई है
कि हदीस में आया है, कुरान में भी इशारा है। बाज़ ऐसे भी कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं, रुब तालिन लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु। कुछ ऐसे भी कुरान की तिलावत करने वाले हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, कुरान उन पर लानत कर रहा है। कुरान के वफ़ादार रहें, कुरान के वफ़ादार रहें और पढ़ें, फिर देखिए असरार कुरान कैसे मुनकशिफ होते हैं। एक इस सूरे और इस आयत पे मुनहसर नहीं है। कुरान मजीद में तो इरफान रिसालत के असबाक जा बजा तकरीबन हर सूरे में बिखरे हुए हैं। जहाँ से कुरान मजीद की तिलावत शुरू कीजिए, वहीं से शान मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आती है। हुजूर की शान इस्तिस्नाई शान है। किसी भी सूरह की तिलावत करें आप, सूरह हम्द से शुरू करें, देखिए सूरह हम्द में इरफान रिसालत का कोई पहलू है कि नहीं, और किसी को नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, हमें तो साफ नज़र आता है। पहला ही हर्फ हर्फ बा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पहला हर्फ हर्फ बे शान मुहम्मद अरबी को जाहिर करता है, इसलिए कि हर्फ की शान क्या होती है, हर्फ की तारीफ क्या है। हर्फ वो है जो एक इस्म को दूसरे इस्म से जोड़ता है, या एक इस्म को उसके फ़ेल से या फ़ेल को इस्म से जोड़ता है ना। इसका काम है रब्त देना। खुद ज़ात गिरामी मुहम्मद मुस्तफ़ा ऐन रब्त है अब्द और माबूद के दरमियान, खुदा और खल्क खुदा के दरमियान, खालिक और मखलूक के दरमियान ऐन रब्त और कुल रब्त का नाम है मुस्तफ़ा। जब भी हम रब्त के मानी पे गौर करेंगे तो फिर वहाँ पर हुजूर की मारिफत का दरवाज़ा वहीं खुल जाएगा। और बात यही नहीं है कि सिर्फ इस एक उनवान से, फिर हम बे पर अगर गौर करें, ये बे है क्या, ये हर्फ क्या है, और किसी की आवाज़ हमारे कानों में पड़े कि देखो जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो कुछ सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, और मैं वो नुक्ता हूँ जो बाय बिस्मिल्लाह के नीचे है। जब हम ये चेहरा देखते हैं कि ये कौन है कहने वाला, तो मालूम होता है कोई और नहीं, ये तो मोहम्मद की आगोश का पाला है। पहले हर्फ से इरफान रिसालत के अबवाब खुलने लगते हैं, फिर उसके बाद बे के बाद दूसरा लफ्ज है इस्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्म ऐन ज़ात खुदा है या गैर ज़ात खुदा? इस्म किसकी इबादत करते हैं आप, इस्म की या अल्लाह की, इस्म की या मुसम्मा की? अगर इस्म की इबादत की मुसम्मा को छोड़कर तो शिर्क है। इस्म की इबादत नहीं होती, मुसम्मा की इबादत होती है, साहिब इस्म की इबादत होती है। जब इबादत होती है साहिब इस्म की, तो इस्म की हैसियत क्या है? इस्म की हैसियत यह है कि बग़ैर इस्म के इबादत हो नहीं सकती। यानी इबादत तो बेशक मुसम्मा की होती है, मगर सबब सबब इबादत, वसीले इबादत, ज़रिए इबादत, यही इस्म बनता है। यानी जो इस्म की हकीकत है वो मुनहसिर है, इस्मुल्लाह की हकीकत मुनहसिर है ज़ात मुहम्मदिया में, कि अगर ये ना होते तो वो मुसम्मा पहचाना ही ना जाता।
ये ना होते, इस्म का काम क्या होता है? इस्म अलामत होती है, इस्म निशानी होती है, इस्म आयत होती है। आयत यानी अलामत यानी निशानी। इस्म साहिब इस्म को पहचानवाने का जरिया होता है। इस्म साहिब इस्म को पहचानवाने का जरिया होता है। अब आप इस इस्म पर गौर करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में लफ्ज़ इस्म कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। इस इस्म से मुराद कोई और हो नहीं सकता। तवज्जो रहे, पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। इस इस्म से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के कितने नाम हैं? 99 नाम तो मशहूर हैं। उन्हीं नामों में से कोई नाम क्यों नहीं रख दिया गया यहां पर? ये बात छुपा के क्यों कही गई कि अल्लाह के नाम के सहारे से शुरू कर रहा हूं? भाई कह दिया जाता कि लफ्ज अल्लाह के सहारे से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज रहमान से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज रहीम से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज करीम से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज मुबदी से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज मुईद से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज सबूर से शुरू कर रहा हूं, लफ्ज शकूर से शुरू कर रहा हूं। नहीं, किसी मालूम असमा में से किसी इस्म को ना रख कर सिर्फ मुतलक लफ्ज इस्म रखा गया। इस्म खुदा से शुरू कर रहा हूं। इस इस्म से कौन सा इस्म मुराद है? इस इस्म में लफ्ज़ अल्लाह मुराद है या लफ्ज़ रहमान मुराद है या लफ्ज़ रहीम मुराद है या कोई और ही इस्म मुराद है? इस इस्म से वो इस्म मुराद है कि अल्फाज के मानी तो बदले जा सकते हैं, जात को तब्दील नहीं किया जा सकता। बहुत पहले अर्ज कर चुका हूँ, याद आता है इसी मेंबर पर, इसी जगह, इसलिए कि अब तो कई बरस हो गए मुझे आप हजरात की समा खराशी करते हुए। परवरदिगार जजाए खैर अता फरमाए बशीर शाह साहब को और इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इनकी नस्लों में भी ये तहजीब आज़ा को विरासत में करार दे। ये अहतमाम फरमाते रहते हैं और मैं हाजिर होता रहता हूँ। तो मैंने अर्ज किया था इसी मिंबर पर कि अस्माए इलाहिया में ये 99 इस्म तो ये अस्माए हुस्ना हैं, यानी अच्छे अच्छे नाम। लोगों को सिर्फ अच्छे नाम की तलाश नहीं होती, लोगों को बड़े नाम की तलाश होती है। इस्म आज़म है ना, इस्म आज़म की तलाश होती है। उस वक्त मैंने कहा था कि इस्म आज़म तो बस 14 हैं। और ये भी महज खिताबत नहीं है, इस जुमले के पीछे हजारों सफ़े का मुतालआ है। इस एक जुमले के पीछे कि इस्म आज़म अल्लाह के 14 हैं, जिसमें सबसे बड़ा इसमें आज़म में भी मरातिब हैं, सबसे जामे और सबसे बड़ा इसमें आज़म ज़ाते गिरामी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलंतर सलावात पढ़ें।
अर्ज़ ये कर रहा था कि आप कुरान शुरू कीजिए, इरफान रिसालत मुस्तफ़ा के अबवाब खुलने शुरू हो जाते हैं। पहला हर्फ, उसके बाद पहला लफ्ज़ इस्म, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज से तर्जमा बदल जाएगा आपके जहनों में बिस्मिल्लाह का। जब बिस्मिल्लाह पढ़िएगा तो उसका तर्जमा जहन में ये आएगा कि शुरू कर रहा हूँ, कोई भी काम हो शुरू कर रहा हूँ मैं मोहम्मद के सहारे से, शुरू कर रहा हूँ मैं मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के सहारे से ये काम शुरू कर रहा हूँ। इसलिए कि मोहम्मद कौन है? इस्मुल्लाह, इस्मुल्लाह, जिसकी सिफत भी है कि वो भी रहमान और रहीम है। अल्लाह तो है ही है रहमान और रहीम, इस्मुल्लाह भी रहमान और रहीम है। ये ठहर के यहां पर एक बात समझ लीजिए, इसे आप ये ना कहिएगा कि गुलू कर गए। अल्लाह की सिफतें जूं के तू मोहम्मद के लिए साबित कर दी। सूरह मुबारक हम्द पूरे कुरान का खुलासा है ना, इतनी जखीम किताब, अगरचे कोई बहुत जखीम नहीं है फिर भी हम्द के मुकाबले में इतनी जखीम। बकौल मारूफ, बकौल मशहूर, 6666 आयतें, 6666 आयतों का खुलासा, 6666 जुमलों का, आयतों का खुलासा। वैसे जुमले मैंने कह दिए, ये लफ्ज़ कह दिया जुमलों का, एक एक आयत में अरबी में तो कई कई जुमले होते हैं। अरबी ग्रामर जो जानते हैं वो जानते हैं कि एक एक आयत में कई कई जुमले होते हैं, तो जुमलों की तादाद तो अभी नहीं जिक्र कर रहा हूँ। 6666 आयतों का खुलासा अगर कोई तैयार करे तो कम से कम उसमें एक लफ्ज़ भी मुकर्रर नहीं आ सकता, एक लफ्ज़ भी दोहरा के नहीं आएगा, क्योंकि अगर दोहरा के लाएंगे तो और मतालिब कहाँ लिखेंगे और बातें कहाँ समेटेंगे। ये एक इस्म है अर रहमान अर रहीम जो दो बार आया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम, दो बार आया ना। ये दो बार आने का राज क्या है? वो खुदाए कुद्दूस, वो खुदाए अजीम, वो खुदाए जलील जिसके यहाँ तजल्ली में तकरार नहीं है। तकवीनियात में, खिलकत में, आलम खिलकत में तजल्ली में तकरार नहीं है। इस मजमून को तो मैं अर्ज कर चुका हूँ, आपके जहनों में होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। कोई दो अफराद बशर रुए ज़मीन पर ऐसे नहीं हैं कि जिनका नमक नक्शा सब एक जैसा हो। नक्शा एक होगा तो कम से कम नमक अलग अलग होगा, अलग अलग। कोई दो अफराद जो कि तू आपको नहीं मिलेंगे, जो उनकी आवाज़ भी एक जैसी हो, चेहरा भी एक जैसा हो, वजूद एक जैसा हो, सोच एक जैसी हो, उंगली के पोरों के निशानात एक जैसे हों, कोई कितने अफराद पैदा हो रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब तक, और कितने पैदा होंगे। और ये साइंसदान कहते हैं कि किसी दो फर्द बशर की उंगलियों के निशानात और ये बारीक बारीक खतूत एक जैसे नहीं होते। कैसा कादिर है वो, कैसा अजीम खालिक है वो, कैसा सन्ना है वो, कैसा बदीर है वो, जो खिलकत में ऐसी सन्नाई रखता हो वो एक छोटे से सूरे में अल्फाज मुकर्रर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? छोटे से सूरे में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम। जब आप गौर फरमाएंगे तो ये वाजे होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमान और अर्रहीम अल्लाह की सिफत नहीं, इस्मुल्लाह की सिफत है।
इस्मुल्लाह की सिफत है, इसलिए कि बाद में जो आयत आई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, यहां अर्रहमान रहीम रब्बुल आलमीन की सिफत है, यहां अर्रहमान रहीम अल्लाह की सिफत है। यानी अर्रहमान रहीम ये वो औसाफ हैं जो इस्मुल्लाह में भी पाए जाते हैं, खुद अल्लाह में भी पाए जाते हैं। यानी यहीं से जहन को हमवार कर दिया कि देखो हमारी सिफतें हमारे बंदे में अगर नजर आए तो तवहम में मुबतला ना होना, शिर्क में मुबतला ना होना, कुफर में मुबतला ना होना, हमने ऐसा बंदा बनाया है जिसमें अपनी सिफतें रखी हैं। देखिए ये मकाम इरफान रिसालत है, ये मकाम इरफान रिसालत है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक एक हर्फ कुरान हमारे लिए एक एक बाब मारिफत खोलता चला जाता है। फिर भी अगर हम कहें कि कुरान अज़्ज़ल ता आखिर कसीदे मुस्तफ़ा है तो शक की गुंजाइश है, किसी शक की गुंजाइश है? और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए। ये तो ज़ात की बात हुई, बिस्मिल्लाह में ज़ात मुस्तफ़ा का तारुफ हुआ। आगे खुदा का तस्किरा है, आखिरत का तस्किरा है, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी ही बंदगी करते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और हिदायत चाहते हैं तुझी से सिरात मुस्तकीम की। सिरात मुस्तकीम की तारीफ कैसे हो? अब ये तारीफ कैसे हो कि सिरात मुस्तकीम क्या चीज है, किस रास्ते का नाम है सिरात मुस्तकीम, किस रास्ते को कहते हैं सिरात मुस्तकीम? दुनिया में तो हजारों रास्ते, लाखों रास्ते, करोड़ों रास्ते, जितने लोग उतने रास्ते, और इस दौर में बाकायदा जोर दिया जा रहा है प्लूरलिज्म पर। आप तस्लीम कर लीजिए कि सब रास्ते तो उसी तक जाते हैं, आपस में झगड़ा ना कीजिए, बहस ना कीजिए, तकरार ना कीजिए। मैं भी ये कहता हूँ झगड़ा ना कीजिए, मगर बहस करते रहिए। पहले ये समझ लीजिए बहस के मानी क्या हैं। जो अहले इल्म हैं, जो ज़बानदा हैं, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अवामुन्नास जिसमें कभी कभी अच्छे खासे खवास भी शामिल हो जाते हैं, या जिन्हें लोग खवास समझते हैं, वो भी असल में होते तो अवाम ही में से हैं, वो न जाने कैसे खवास में शुमार होने लगते हैं, तो वो नहीं जानते कि बहस के मानी क्या है। वो समझते हैं बहस के मानी है झगड़ना, बहस के मानी झगड़ा करने के नहीं है, बहस के मानी है तलाश करने के, जस्तजू करने के। किसी मौजू पे बहस के मानिए उस मौजू पर जस्तजू करना, रिसर्च करना, कुंजकावी, तलाश, जस्तजू। कोई दाना ज़मीन में गिर जाए, खाक में मिल जाए, उस दाने को ढूंढने का नाम है बहस करना। अरबी ज़बान में बहथा के मानी है तलाश करना, जस्तजू करना। किसी मौजू पर, किसी हकीकत पर जब कोई गुफ्तगू करे तो उसे कहते हैं बहस करना। तो ये इंसानी फितरत का खासा है, इंसानी ज़हानत का खासा है, इंसानी आकल का खासा है कि वो बहस करती है, इंसान बहस करता है। बहस करना चाहिए लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पुरअमन रहकर बहस जारी रखना चाहिए। हजारों रास्ते हैं, जितने लोग उतने रास्ते हैं, मगर सिरात मुस्तकीम एक ही होगा, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए भी कि शर्त मुस्तकीम की लगी हुई है। मुस्तकीम किसे कहते हैं? सीधा रास्ता, स्ट्रेट लाइन। छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे जो तीसरी चौथी जमात में पढ़ते होंगे, ज्योमेट्री इब्तिदाई, एलिमेंट्री ज्योमेट्री,
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान होगी, दो नुक्तों के दरमियान, एक स्ट्रेट लाइन से ज्यादा बन ही नहीं सकती। अगर एक से ज्यादा लाइन बन रही है तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट नहीं है, मुनहनी होगी, कर्व होगा कहीं ना कहीं, स्ट्रेट लाइन बस एक होगी। तो अब ये कुरान मजीद में इब्तिदा में सिखाया गया, बताया गया कि सिरात मुस्तकीम को तलाश करना है और रब अकबर से मदद मांगनी है सिरात मुस्तकीम। इस सिरात मुस्तकीम को डिफाइन कैसे किया है, इसकी तारीफ कैसे की गई है? आप हजरात रहते तो इस मुल्क में हैं जहाँ की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, मगर जनाब वाला सरहद उस पार की जबानों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हिंदी जबान में डिफिनेशन को कहते हैं परिभाषा, शायद सिंधी जबान में भी इससे मिलता जुलता लफ्ज होगा। तो ये परिभाषा या डिफिनेशन या तारीफ सिरात मुस्तकीम की क्या है, उसे अल्लाह ने आगे जो बयान किया है वो भी मुस्तफ़ा के हवाले से, कैसे का इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना नअमत अलैहिम। सिरात मुस्तकीम यानी उन लोगों का रास्ता, उन हस्तियों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। इस कायनात में किस पर इनाम किया, उसी पर तो इनाम सबसे बड़ा किया है जिस पर ये आयत उतरी, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने अपनी नेमत तमाम कर दी। सिरात मुस्तकीम भी वो सिरात है जो मोहम्मद की सिरात है, मगर एक मसला आ गया इस कुरान में, मोहम्मद तो एक है, लफ्ज़ अल्लज़ीना क्यों है? सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम उस हस्ती का रास्ता नहीं, उन हस्तियों का रास्ता। अब ये किसी मकतबे फिक्र में इसका हल नहीं मिलेगा सिवाय उस मकतबे फिक्र के जिसके पास ये पैगाम मौजूद है कि हुजूर ने कहा अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद आखिरुना मुहम्मद कुल्लुना मुहम्मद, हम सब के सब मुहम्मद हैं, सलावात पढ़े मुहम्मद वाले। गोया सिरात मुस्तकीम की शनाख्त में ही इरफान रिसालत का बाब खुल गया। ये सूरह हम्द है, अभी मैंने कहा था कोई सूरा उठा लें, इरफान रिसालत के अबवाब खुलते चले जाते हैं। अब बस ये है कि हम क्या करें, जब हम मोहम्मद का जिक्र करते हैं तो तन्हा मोहम्मद का जिक्र हमसे होता नहीं है, उनकी आल का जिक्र ज़रूर होता है। जिन्हें अच्छा नहीं लगता वो जाके कुरान में अल्लज़ीना काट के अल्लज़ी लिख दें। है किसी में जुरत, किसी में जुरत है जो अल्लज़ीना काट के अल्लज़ी कर दे? तो एक लफ्ज नहीं बदलना पड़ेगा, पूरा निज़ाम कुरान बदलना पड़ेगा। अल्लज़ीना बदला तो अलैहिम का क्या करेंगे?
एक लफ्ज बदला तो पूरा निजाम बदल जाएगा, इसीलिए एक वजूद को बदल दिया तो पूरा निजाम बदल गया। बदल गया निजाम एक वजूद के बदलने से। वो कौन वजूद है? मोहम्मद ने कहा था मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। मुसलमान ने कहा मोहम्मद को मौला तो मानूंगा, अली को नहीं मानूंगा। बदल गया इस्लाम। जो दीन रहमत था वो दहशतगर्दी का दीन होकर रह गया। एक लफ्ज बदलेंगे, कलाम हक है, निजाम हक है, मजाल नहीं है कि एक लफ्ज बदल सकें आप। हुजूर के साथ उनके आल का तस्करा इसलिए जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है कि वहाँ अल्लदीना है, जहाँ जहाँ अबवाब मारिफत, मारिफत रिसालत, मारिफत मुस्तफ़ा, मारिफत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ वहाँ अब ये सूरह हन में अल्लज़ीना है, वहाँ सूरह फतह में क्या है? वल मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह और वो जो उनके साथ हैं। अब उनके साथ हैं कि फहरिस्त और तफसीर में जिस जिस का चाहे इजाफा कर लीजिए, मगर उन्हें नहीं काट सकते जो अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में शामिल हैं। जिसकी चाहे फहरिस्त मुरतब करना तो इंसान के लिए तो बहुत आसान है, बैठे आंख बंद की फहरिस्त मुरतब कर डाली। मगर ये देखिए कि मेयार कुरान पर कौन किरदार पूरा उतर रहा है, मीजान मशीयत में किसका किरदार तुल रहा है। ये कांटे की बात ये है कि जो कांटे पे तुल जाए वही हक होता है। मेयार कुरानी पे किन हस्तियों का किरदार पूरा उतर रहा है, कहाँ वस्फ मिल रहे हैं हमें, कहाँ सिफत और मौसूफ में इत्तेहाद कामिल है, कहाँ सिफत और मौसूफ एक दूसरे से बेगाना है। सिफत कुछ है और जिसे मौसूफ बताया जा रहा है वो कुछ है। तलाश कीजिए, तलाश कीजिए, कहाँ कहाँ अबवाब मारिफत हैं। कोई सूरा उठा के देख लीजिए, कोई सूरा। बार बार मैंने अर्ज किया आपके सामने कि ये कुरान हकीम है कि जिसने खुद बुलंदिए मकाम व मर्तबा मुस्तफ़ा को बयान नहीं किया है। कल भी ये जुमला कहा था, सिर्फ औ अदना कह के कुरान खामोश हो गया। इस औ अदना की तशरीह मैं दूसरे मकामात पे कर चुका हूँ, शायद यहाँ भी गुज़श्ता साल बयान मेराज कर चुका हूँ। आज मेराज का जिक्र नहीं करूँगा, मेराज का जिक्र किए बगैर मेराज का जिक्र हो जाएगा। किरदार मुस्तफ़ा और ज़ात मुस्तफ़ा की बात है, इस एतबार से कि उस मंजिल तक कुरान ज़हन इंसानी को पहुँचा देता है कि देखो मुस्तफ़ा का किरदार इतना बुलंद है कि हद आखिर हम रकम नहीं कर सकते।
हम नहीं बता सकते तुम्हें कि हमारा मुस्तफा क्या है। ये एक तरह का तजस्सुस छोड़कर इंसान के जहन को जस्तजू के लिए हमेशा के लिए आमादा कर दिया, ढूंढते रहो मेरे मुस्तफा का मर्तबा, जस्तजू करते रहो मेरे मुस्तफा के मरातिब की, फजाइल मुस्तफा, मनाकिब मुस्तफा, मौजजात मुस्तफा, करामात मुस्तफा ढूंढते रहो, तलाश करते रहो, आखिरी हद तक नहीं पहुंच सकते। चाहे वो इबादत की शान हो, रियाजत की शान हो, तबलीग की शान हो, कोई शान हो, इबादत की शान। मुस्तफा का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? अब्द है। नबी होना पैगंबर का सबसे बड़ा कमाल नहीं है, अल्लाह ने नबी बनाया तो नबी बन गए। तवज्जो रखना अजीजों, जौहर जात किसे कहते हैं? नबुवत तो एक ओहदा है, मनसब है, डिजिग्नेशन है, अल्लाह सुबहान व तआला ने मनसब दिया, इन्होंने ले लिया। रिसालत एक मनसब है, इमामत भी एक मनसब है, एक ओहदा है, ओहदा दिया अल्लाह ने, इन्होंने कबूल कर लिया। ओहदा दिया उसे जाता है जिसमें पहले ओहदा संभालने की सिफत हो। वो सिफत इन्होंने आप पैदा की। आप हैदराबाद का कमिश्नर बनाने के लिए गवर्नमेंट से कहें कि साहब फलां साहब को कमिश्नर बना दीजिए। कमिश्नर एक ओहदा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में कहीं ना कहीं जो उसूल कानून जाबते हैं उसमें, लीगल सिस्टम में कहीं ना कहीं कमिश्नर के ओहदे की क्वालिफिकेशंस लिखी होंगी, जिसमें ये सिफतें हों वो कमिश्नर बन सकता है। इसीलिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे यहाँ, तो IPS कम्पिटिशन होता है, IAS कंपटीशन होता है, यहाँ भी वैसे ही होता होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यहाँ जो भी होता है, बहरहाल अब जनाब वाला ये कंपटीशन इसलिए होता है ताकि इंसान अपने वस्फ को, अपने क्वालिफाई करने को साबित कर दे कि मैं क्वालिफाई करता हूँ। और एक वक्त में कितने क्वालिफाई किए हुए मौजूद होते हैं, उसके बावजूद अब निगाहें इंतखाब जिस पर पड़े हैं, तो कोई बात होगी ना, कोई बात होगी। तवज्जो रहे, मैं कुछ अर्ज कर गया हूं। एक वक्त में वो अहलियत रखने वाले एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन जब ओहदा दे दिया जाता है तो वो ओहदा एक जात में मुनहसिर हो जाता है। ओहदे से दूसरे की अहलियत जाया नहीं होती, मगर ओहदा महदूद हो जाता है। तवज्जो है, ओहदे में शिर्क मुमकिन नहीं है, ओहदे में शिर्क मुमकिन नहीं है। जिसे ओहदा मिला है उससे अहदे अमानतदारी भी लिया जाता है, हलफ अमानतदारी लिया जाता है, वो अमानतदार रहेगा, ओहदा उसकी जात में मुनहसिर रहेगा, मगर ये कोई नहीं कह सकता कि इस ओहदे का मुस्तहिक इसके अलावा कोई और नहीं था। वो अहलियत और सलाहियत कोई नहीं रखता था, और फरमा रहे आप। तो ये निजाम इस जगह पर ये जरूर है, हमारा खाकियों का निजाम, खातियों का निजाम, इंसानों का निजाम, हमारे यहाँ गलतियां होती हैं, बहुत कुछ ऊंच नीच होता है, जाने कैसे कैसे इंतखाब कर लिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ तो ये भी होता है, आपके मुल्क में नहीं होता होगा, मुसलमानों का मुल्क है, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। वहाँ तो कभी कभी ये होता है कि जनाब वाला नऊज़ बिल्ला वो लफ्ज़ भी ज़बान पर लाना अच्छा नहीं मालूम होता, मगर रिश्वत दे के भी लोग ओहदा ले लेते हैं, सिफारिशों पर ओहदा ले लेते हैं। लेकिन जहाँ आइडियल इस्लामी निज़ाम होगा वहाँ रिश्वत पर बिल्कुल किसी का काम नहीं चलता होगा, वहाँ सिफारिशें बेजा नहीं चलती होंगी। अच्छा, और कहीं तो छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो यकीन है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के यहाँ इस किस्म का कोई पहलू नहीं होगा। अल्लाह जब किसी को ओहदा देगा, किसी पर चश्मे करम पड़ेगी, तो कोई इम्तियाजी वस्फ उसमें होगा, और जो दूसरे साहिबान अहलियत होंगे उनके मुकाबले में भी इस एक जात में कोई वस्फ होगा, तभी उसे ओहदा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। तो अगर निगाह कुदरत
ذات محمد عربی پر ٹھہری ہے مقام ختم نبوت کے لیے, تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سید اولون اولین و آخرین مصطفیٰ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا, اس لیے انتخاب ہوا. پیغمبر کا انتخاب ہوا ہے, کسی اور کا انتخاب نہیں ہوا ہے. تو خدا بھی کہتا ہے دیکھو کیسا وصف ہے اس میں, تلاش کرو, جستجو کرو اس کے ذاتی وصف کی. ذاتی وصف کیا ہے؟ نبوت تو ہماری عطا ہے, عہدہ ہے. رسالت ہماری عطا ہے, عہدہ ہے. امامت ہماری عطا ہوتی ہے, عہدہ ہے, منصب ہے. ذاتی وہ وصف کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ان مناصب کے مستحق ٹھہرتے ہیں؟ وہ ذاتی وصف ہے عبدیت. عبد ہیں یہ. انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح تربیت دے کر فرامین الہیہ کا مطیع و فرما بردار بنا لیا کہ جو مثالی حیثیت ہو گئی. تو سب سے پہلی جہت جوہر ذات مصطفیٰ عبدیت ہے, الوہیت نہیں. ہم جب تعریف کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غلو کر رہے ہیں, یہ شان الوہیت دکھاتے ہیں نبوت میں. نہیں, شان الوہیت ہم نہیں دکھاتے, ہم ان کی شان عبدیت دیکھتے ہیں. یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ شان الوہیت پیدا کر دیتا ہے. مصطفیٰ عبد ہیں, عبد بندے ہیں, بندگی کی شان ہے ان میں. ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دوں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مگر آپ حضرات صرف فضائل سننے کے عادی ہیں, اور اس کا سبب ہے فضائل سننے میں خود اپنے اوپر بار عمل تو کوئی آتا نہیں. تو وہی خطیب پسند آتا ہے جو صرف فضائل پڑھے, اور جس نے ذرا عمل کی طرف توجہ دلائی تو کہتے ہیں یہ مجلس تھوڑی پڑھ رہے تھے, واز کر رہے تھے. یہی مزاج ہے نا. دیکھیے, عمل سے بھاگیے نہیں, عمل سے گریز نہ کیجیے. بے عمل کو فضائل بھی پھر سمجھ میں نہیں آتے. تاریخ میں اٹھا کے عرفان رسول رکھنے والوں کی فہرست بنائیے, جتنے با عمل ہیں اتنے ہی عارف رسول ہیں, اور جتنے بڑے بڑے بے عمل ہیں اتنے ہی دشمن رسول ہیں. عمل سے گریز نہ کیجیے. تو لفظ عبد کو سمجھ لیجیے کیا ہے. لفظ عبد سمجھ لیجیے, سب بندگی کرتے ہیں, سب بندگی کرتے ہیں. بندگی ہی کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. انعام بندگی میں خدائی دے دیتا ہے اللہ. جو سخن شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے, جو چاہے دے دے. وہ ایسا سخی اور فیاض ہے کہ کچھ اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا. بچا کے تو وہ رکھے جسے خزانہ خالی ہو جانے کا خوف ہو. اسے خزانے کے خالی ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. اپنے رب پہ ناز کیجئے, کیسا رب ملا ہے. رب پہ ناز کیجئے, اس رب کو سجدہ کیجئے, اس کی بندگی کیجئے. بندگی کے انعام میں وہ کچھ بھی دے سکتا ہے. مرتضائی دے دے, مصطفائی دے دے, خدائی دے دے, کچھ بھی دے سکتا ہے. عبدیت شرط ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ عربی میں جا کے ڈھونڈیے. عربی میں عین بے دال, یہ روٹ ورڈ جو ہے اس کے جو اشتقاقات ہیں, اس کے جو مشتقات ہیں, وہ کہاں کہاں کن کن معنیوں میں معانی میں استعمال ہوتے ہیں. میں نے کراچی کی
एक तकरीर में इशारा किया था, वो वही फकरा यहाँ इशारा कर रहा हूँ। चूँकि इल्म लो लुगत और इश्तिकाक की किताबों में वही लिखा हुआ, मिसाल यही है। इसी ऐन बे दाल से अब्बदस सबील या अब्बद तरीक, सबील कहते हैं रास्ते को और तरीक, तरीक भी कहते हैं रास्ते को। रास्ते जो ना हमवार होते हैं, कहीं नशेब है कहीं फराज है, ना हमवार ऊबड़ खाबड़ रास्ते, उन रास्तों को हमवार करना, यानी जहाँ नशेब है वहाँ मिट्टी डालकर उसे पाटिए, नशेब को पाटिए, पाट के बुलंद कीजिए, और जहाँ ऊंचा है गैर मामूली उसे तराशिए और बराबर कीजिए, और जब रास्ता बराबर हो जाए तो इस अमल को कहते हैं अब्बद तरीक, यानी रास्ता हमवार कर लिया। पैगाम क्या है? इंसानी नफ्स में भी नशेब व फराज है, इंसानी नफ्स में कमज़ोरियां हैं, अखलाकी कमज़ोरियां हैं, जहालत है, नादानी है, अखलाकी कमज़ोरियां हैं, और उसके बावजूद अनानियतें हैं, खुदी सर उभारती है, यानी अजीब व गरीब नशेब व फराज है। एक तरफ कमियां और कमज़ोरियां हैं, दूसरी तरफ अनानियतें हैं, खुदी है, मैं है। तो जहाँ कमज़ोरियाँ हैं अखलाकी, वहाँ अखलाकी औसाफ़ पैदा करके रियाजत नफ्स करके उस नशेब को पुर कीजिए, और जहाँ बेजा सर उभार रही है आपकी अनानियत, वहाँ सर कलम कीजिए, अपनी अनानियत का सर कलम कीजिए, और तजल्ली इलाही से उस तूर को सुरमा बना दीजिए, सुरमा बना दीजिए, तो फिर आपका नफ्स हमवार हो जाएगा, उसमें कोई नशेब व फराज नहीं रहेगा। इस रियाजत नफ्स का नाम है असल में अब्दियत, कि जहां हुक्म इलाही कानून इलाही पर अमल करने के लिए कोई रुकावट बाकी ना रह जाए, जो हुक्म इलाही सरबसर तस्लीम, जितने फरामीन इलाही आए उन सब पर अमल होता चला जाए, यह है शान अब्दियत। यही मुस्तफा की शान थी कि कोई भी अमर इलाही हो मुस्तफा सरबसर तस्लीम थे। उनकी उम्मत में भी यह शान होनी चाहिए, जो भी अमर इलाही हो सरबसर तस्लीम, जो अमर मुहम्मद अरबी हो सरबसर तस्लीम। ये कभी ना कोई आकर पूछे जब रसूल हुक्म दे, या रसूल अल्लाह ये हुक्म खुदा की तरफ से है या आपकी तरफ से? आप हजरात मुझे तकरीर करने दें। हालांकि ये अच्छी बात है कि जिक्र में सब शरीक हों, मगर ये आपके जज्बात हैं, हम उसकी कदर करते हैं, मौला सुबहानहु व तआला भी उसकी कदर करता है, मगर इस वक्त मिंबर पे मैं हूँ। और आपने मुझे मिंबर दिया है तो फिर मुझी को सुनते रहिए, दरूद पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। खुलासा मतलब यह है कि अब्दियत ये जौहर ज़ात मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा अब्द, एक है खालिक भी और मखलूक भी, बस एक है।
ये मेरे ही कते का एक मिसरा है, पूरा कता याद नहीं आ रहा है। एक है खालिक भी और मखलूक भी, बस एक। वो नूर खालिक है, ये नूर मखलूक। वो महमूद है, ये मुहम्मद। वो माबूद है, ये आब्द। और जौहर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आब्दियत है, आब्द है। तो जब ये आब्द हैं तो सबसे पहले हमें सुराग लगाना चाहिए कि इनकी बंदगी की शान क्या है। कितनी इबादत करते थे मुस्तफ़ा, कितनी कर सकते थे, कुरान से पूछिए। कुरान बस इतना बताता है कि इतनी इबादत करते थे कि माबूद को कहना पड़ा मेरे बंदे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل إلا قليلا نصفه ومن قص منه قليلا। मेरे बंदे इबादत करो रातों में उठकर मगर कम। कदम मुबारक पे वरम हो जाते थे, पिंडलियां पांव पे वरम रहते थे कयाम लैल की सबब से। रातों में जाग कर बेदार रहकर हुजूर इतनी नमाजें पढ़ते थे। हुजूर कितनी पढ़ते थे वो तो कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन कुछ उसमें से कुछ हिस्सा हमें और आपको भी मिलना चाहिए। आशिक हैं तो उस माशूक के किरदार का कोई एक परतव तो होना चाहिए। वो हजार रकत नमाजें शब भर में पढ़ते थे, हम 10-11 रकत पढ़ लें काफी। नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, कम से कम नमाज शफा और वितर पढ़ लें, इतना ही पढ़ लें, शुरू करें यहां से। फजर से पहले उठें, फजर का वक्त जो है उससे पहले उठें। सहर को दर्क करें, सहर का वक्त बड़ा बरकत का वक्त है। सहर का वक्त बहिश्त का वक्त है। सहर का वक्त न रात में शुमार होता है न दिन में, ये जन्नत का वक्त है, बहिश्त का वक्त है। जो अहले बहिश्त होना चाहे वो बहिश्त के वक्त से क्यों गुरेज करता है। सहर को बेदार हो, 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 3 रकत पढ़ें, शुरू यहां से करें, उसकी पाबंदी करें। वो 3 रकत इतनी ताकत देगी कि 11 पढ़वा लेगी, और फिर वो 11 इतनी ताकत देगी कि रोजाना 51 रकत पढ़वा लेगी। हंसते खेलते फिर तो ज़ौक पैदा हो जाता है ना। देखिए, आप जब माइक के सामने खड़े होते हैं और 1-2 शेर पढ़ते हैं, मनकबत के, नात के, मदह के, मरसिए के, नौहे के, और मजमा जब दाद देता है तो फिर हटने का दिल नहीं चाहता, सुनाते चले जाते हैं, है ना। एक ज़ौक डेवलप होता है, लुत्फ आता है, और ये नहीं कि दिखावे के लिए इंसान पढ़ता रहता है, नहीं, वाकई मोहब्बत है, जज्बा है, मारिफत है, मौला के जिक्र की लज्जत फिर रूह में बस जाती है तो इंसान जिक्र करता है। यही मौला के जिक्र की लज्जत नमाज में है। बुजुर्गो, अजीजो, जवानो, मर्दो, औरतो, सबके लिए खिताब है मेरा, सबके लिए। मौला सुबहानहु व तआला की याद और उसके जिक्र की लज्जत किस में है? नमाज में। याद खुदा है, और सिर्फ याद खुदा नहीं है, यही नमाज याद खुदा भी है, याद मुस्तफ़ा भी है। इसलिए कि नमाज अमल मुस्तफ़ा का नाम है। कोई बड़े से बड़ा अहले कुरान ले आइए मेरे पास, मैं उससे पूछूंगा कहीं 1 रकत नमाज की तरकीब भी कुरान में है लिखी हुई? 1 रकत। ये जो पढ़ते हैं कि पहले नियत कीजिए, नियत के बाद तकबीर एहराम, तकबीरतुल एहराम, उसके बाद इस्तेआज़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आहिस्ता से, उसके बाद सूरह अलहम्द बिस्मिल्लाह के साथ, उसके बाद कोई एक और छोटा सा सूरा, फिर तकबीर, फिर रुकू,
रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, फिर क़याम, फिर सजदा, फिर क़ुऊद, फिर सजदा, फिर क़याम, ये तरकीब व तस्वीर कहाँ है कुरान में? कहीं है? कहीं नहीं है। फिर भी कहते हो कुरान काफी है? नमाज सुतून दीन, नमाज याद खुदा, नमाज जिक्र खुदा। कुरान ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अक़िम सलात अले ज़िक्री, नमाज मेरे जिक्र की खातिर कायम करो। ये जिक्र खुदा है, जिक्र आज़म खुदा नमाज है, इससे बड़ा कोई जिक्र इलाही नहीं है। और इस जिक्र की तरकीब और अज्जा और शक्ल और सूरत कुरान में महफूज नहीं है। इसीलिए कल वाला जुमला फिर समझिए, कल हरूफ मुकत्तात के हवाले से कहा था, आज इबादात के हवाले से कह रहा हूं। कुरान अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस खास सनअत में नाजिल किया है कि कोई कुरान लेकर उसके बंदे मुस्तफा से बेनियाज ना हो जाए। कुरान उतारा ही इसलिए है कि कुरान की रोशनी में मुस्तफा की बंदगी करते रहो। तुम हमसे ये आके समझाने की कोशिश करते हो कि कुरान अल्लाह ने उतारा है अपनी इताअत के लिए? पूरे कुरान में पैगाम इताअत मुहम्मद है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउल्लाह फत्तबिउनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी पैरवी करो। किसकी? मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही आयत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ए रसूल कह दीजिए मेरी पैरवी करो, दूसरी जगह कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए ए रसूल, क्या ऐलान कर दीजिए, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोक दे बाज आ जाओ। ये नहीं है कि जिसको अल्लाह जो दे वो ले लो, अल्लाह जिससे रोक दे बाज रहो, नहीं, अल्लाह नहीं, मोहम्मद जो दे ले लो, मोहम्मद जिससे रोक दे बाज रहो। बताओ कुरान बंदगी मोहम्मद की सिखा रहा है या किसी की? और इस आयत के बाद भी कोई कहे जब मोहम्मद कुछ दे, बताइए ये आपकी तरफ से है या खुदा की तरफ से? बहरहाल अभी तो सिर्फ ये जिक्र कर रहा था कि कुरान मजीद में शान बंदगी ढूंढें और हद बंदगी ये मुस्तफ़ा तलाश करें तो नहीं मिलेगी, हद आखिर नहीं मिलेगी। बस इतना पता चलेगा कि इतनी बंदगी करते थे कि माबूद ने कहा मेरे बंदे बस। ये तो बंदगी, वो इस्तिलाहन बंदगी, इस्तिलाही इबादत। ये जो चंद रसूम इबादत हैं जिसमें सबसे बारिज तरीन, नुमाया तरीन, अहम तरीन नमाज है, ये उसकी बात है। अब दूसरा रुख, वैसे रसूल बनाया था ना अल्लाह ने, तो बहैसियत रसूल कितनी मेहनत करते थे रसूल, पैगाम पहुंचाने का हक कितना अदा किया। मतलब हम आप तो मुसलमानों ने रसूलुल्लाह को बस इतना ही समझा है कि उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया, का एक उनकी जिंदगी है बहैसियत रसूल, एक उनकी जाती जिंदगी है। जो वो बहैसियत रसूल देंगे वो हम ले लेंगे, जो जाती जिंदगी का मामला है वो जाने,
उससे हमारे ऊपर क्या तकलीफ आयद होती है, है? ये रकीक जुमले भी सुनने पड़ते हैं साहब। रसूल की एक हैसियत है रिसालत की, नबूवत की, जो बहैसियत नबी दें, जो बहैसियत रसूल दें वो हमें ले लेना चाहिए, जो बहैसियत है ज़ात खुद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अबुल कासिम की हैसियत से, अबू जहरा की हैसियत से, अबू फातिमा की हैसियत से, अबुल हसन और हुसैन की हैसियत से, अबुल हसनैन की हैसियत से, जद्द हसनैन की हैसियत से, इन हैसियतों से कुछ दें, यही ज़ाती हैसियतें तो यही होंगी ना, तो फिर वो उनका ज़ाती मामला है। अब देखेंगे तबलीग रिसालत में, ये हमारे आपकी तरह है कि उन्होंने कोई घंटे बांध रखे थे कि 10 बजे से 5 बजे तक हम रिसालत करेंगे, बाकी हमारी ज़िंदगी प्राइवेट लाइफ है, कुछ ऐसा है। देखें क्या हद है, हद बंदगी तो देखा कि माबूद ने कहा मेरे आब्द बस, हद रिसालत क्या है, तबलीग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ए मेरे तालिब हिदायत बशर पैगंबर, ताहा ए मेरे तालिब हक व हिदायत बशर पैगंबर, अरे हमने कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया है आपके ऊपर कि आप अपनी जान गंवा दें, इतनी मशक्कत ना करें इन बंदों को, इन इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए। आपको सिर्फ हमने कुरान दिया है ताकि पढ़कर सुना दें, जो खुदा तलब होंगे जिनमें खुदा तरसी पाई जाती होगी वो खुद बेदार हो जाएंगे, उनका जमीर बेदार हो जाएगा, इससे ज्यादा आप अपनी जान जाया ना करें। यानी कमाल साहिए तबलीग पैगंबर ये है, दिल सोजिए पैगंबर इस हद तक है, मशक्कत और मुजाहिदा इस हद तक है, जिहाद इस हद तक है कि खुदा कह रहा है पैगंबर बस। ये कुरान है, वो इबादत की मंजिल में कहा बस, ये तबलीग की मंजिल में कहा बस। अब अपनी अपनी मंजिल है, कभी तबलीग में कहता है बस और कभी कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दे, और अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। दोनों आयतों को बराबर में रख कर उस हुक्म इलाही की अहमियत को समझें। वो खुदा जो कह रहा है मेहनत ना करो रसूल, वो कह रहा है ये पैगाम पहुंचा दो। जबान पर सूरह ताहा की आयतें आ गईं, तो इस सूरह ताहा में एक ऐसा अजीम शान बाब है जहां शान मुस्तफा और भी बुलंद होती है। इसी सूरह ताहा में सूरह ताहा आगे पढ़िए तो एक मंजिल आती है जहां जनाब मूसा का तस्किरा है। जनाब मूसा की एक दुआ जिक्र की गई है, हाँ, वो दुआ यह है رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। ये अजीब और गरीब दुआ है, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। और आगे भी है कुछ आयतें, واجعل لي وزيرا من اهلي हारून अखी उश्दुद बिही अजरी वशरिकहु फी अम्री कै नुसब्बिहका कसीरा वनज़्कुरका कसीरा। ये दुआ है जनाब मूसा की, और उसके बाद इस दुआ का सिलसिला जहां खत्म होता है
वहां قال قد اوتيت سؤلك يا موسى, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कहा कि ए मूसा तुम्हारे सवालात पूरे कर दिए गए, जो तुमने दुआ की थी वो मुस्तजाब हो गई, जो मांगा था तुमने वो दे दिया हमने। ये जिक्र तो जनाब मूसा का है, लेकिन जो पूरा कुरान पढ़े आखिर तक उसके सामने शान मुस्तफ़ा सामने आती है। क्या सामने आती है? ये जनाब मूसा हैं जो कह रहे हैं रब्बिश रहली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरी मुहिम आसान कर दे, वहलुल उक्दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह खोल दे, यफ़क़हु कौली, ताकि लोग मेरी बात समझें, और वज़अल्ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे अहल में से मेरा कोई बोझ उठाने वाला करार दे दे। और इतना कह के खामोश नहीं हुए, कहा हारून अखी, किसी और को नहीं परवरदिगार, मेरे भाई हारून को, उश्दुद बिही अजरी, उनके जरिए से मुझे तकवियत अता फरमा, वशरीक हो फी अमरी, और उनको मेरे काम में शरीक करार दे दे, शरीक करार दे दे, वशरीक हो फी अमरी, उनको मेरे काम में शरीक करार दे दे, ताकि हम दोनों मिल के तेरा काम करें, हम दोनों मिल के तेरा जिक्र करें, हम दोनों मिल के तेरी तस्बीह व तकदीस करें, कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़्कुरक कसीरा, कसरत से तेरी तस्बीह करें, कसरत से तेरा जिक्र करें। यह है जनाबे मूसा की दुआ, और इस दुआ के बाद खुदा फरमाता है कदूती तसूलक या मूसा, ए मूसा तुम्हारा सवाल पूरा कर दिया गया। जहां यहां नजर ठहरती है देखते हैं शान मूसा यह है कि दुआ करें तो पूरी की जाए, शान मुस्तफा यह है कि खुदा खुद कहता है अलम नशरह लका सदरक ववाना अनका विजरात, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया, क्या हमने आपका बोझ उतार नहीं दिया। मूसा दुआ करे तो पूरी होती है, मुस्तफा बगैर दुआ किए हुए अल्लाह अता करता है। मकाम मुस्तफा यह कुरान है, रब्बिश रहली सदरी, परवरदिगार मेरा सीना कुशादा फरमा, और यहां कुरान में अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने सीना कुशादा नहीं किया। कहां मूसा है, कहां मुस्तफा। बस इतना ही है कि मूसा कोहे तूर पे है, मुस्तफा मकाम अवदना पे। जब यहां तक जहन पहुंच गया तो बात जरा और आगे बढ़ेगी। ये शरह सदरो वज़े विज़र की दुआ मूसा ने किस लिए की थी? कोई नऊज़ बिल्ला ज़ीक़ नफ़स की बीमारी थी, सीने में कोई तकलीफ थी, दिल में कोई दर्द था फिजिकली, पीठ पे कोई बोझ था, कोई मरज था? नहीं। जब किसी को मनसब दिया जाता है, ओहदा दिया जाता है, तो उसको उस मनसब के तकाजे पूरे करने की फिक्र होती है, धुन होती है, हमें जो मनसब मिला है हम उसके तकाजे पूरे कर दें। ये हमारे यहाँ भी जो जिम्मेदार अफसरान हैं, जो शरीफ़ नफ्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो करीमुल असल हैं, वो हमेशा अपने अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, अपना फरीजा अपना वजीफा पूरा करते हैं। इंसानी अखलाकियात की बुलंदी ये है, ये जो मुअल्लिमीन बशर थे, जो इंसानियत के मुअल्लिम थे, अल्लाह के उलुल आज़म पैगंबर, इनमें ये थी परवरदिगार तूने जो रिसालत का बोझ डाला है ये पूरा कर सकूं मैं, कोई इसमें कोताही ना रह जाए। इसलिए दिल में एक किस्म की कैफियत होती थी जिसके लिए शरह सदर की दुआ की गई,
जनाब मूसा की मुद्दत नबूवत कितने बरस की थी? मालूम था जनाब मूसा को कि मेरे बाद ईसा आएंगे, ईसा के बाद मोहम्मद आएंगे, मालूम था। तौरात में नबी खातम के आने की पेशींगोई मौजूद है। हर बाद में आने वाले नबी का इल्म पहले गुजरने वाले नबी को होता है, वो ऐलान भी कर देता है मेरे बाद फलां आएगा। तो एक महदूद अरसे के लिए जनाब मूसा को नबूवत सौंपी गई, तो इतना एहसास पैदा हो गया कि दुआ की परवरदिगार इस बारे नबूवत को पूरा करने का हौसला दे दे, शरह सदर अता कर दे और मेरे साथ कोई और वजीर बना दे जो मेरे अहल से हो, ताकि उसकी मदद से मैं तेरा काम पूरा कर सकूं। हमारे पैगंबर पर तो नबूवत खत्म हो रही थी, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं था, अब कयाम कयामत तक का काम इनके सुपुर्द किया गया था, इनको कितना ख्याल होगा। कितना ख्याल होगा, जाहिर ख्याल फितरी है, ख्याल था कयामत तक का काम है, कयामत का काम है, कयामत तक का काम है, कयामत का काम है, वाकयन कयामत का काम है। कयामत में आम बंदे तो अलग, उम्मती अलग, अंबिया के माथे पर भी पसीना होगा। कयामत का काम मुस्तफा ही संवारेंगे। शफीए रोजे जजा मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो पैगंबर जिस पर कयामत तक का काम भी है, कयामत का काम भी है, उसके दिल में कोई आरजू जरूर रही होगी कि मेरा भी शरह सदर हो जाए, मेरा भी कोई बोझ बटाने वाला मिल जाए। अरे मैं कयामत में तन्हा किस किस की शफाअत करूंगा, मेरे अलावा कुछ और भी शफी होने चाहिए। इतनी बड़ी खिलकत है, इतनी बड़ी खिलकत है, तो कोई और भी होना चाहिए। परवरदिगार का भी मिजाज कुरान में ये सामने आ चुका है, मशीयत का मिजाज ये सामने आ चुका है। बहुत से मकामात हैं जहां मुस्तफा कुछ कहते नहीं हैं, बस इधर दिल में कुछ आया इनके, उसने पूरा कर दिया। मिसाल बताओ, मेरा मिसाल किबले की आयतें पढ़ लीजिए। किबला तब्दील किया अल्लाह ने किस सबब से, खुद कुरान में फरमाता है قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। अब मैं देख रहा हूं कि आप ऊपर नजर उठा के देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूं, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा आसमान की तरफ पलट पलट के आप मुझे देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। قد نرى تقلب وجهك في السماء, आप इधर उधर देख रहे हैं फजा में, हम आपके दिल की बात समझ गए, अब हम ऐसे किबले की तरफ रुख मोड़ देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। उस आयत में क्या है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लम मिनल्लाहि व रिज़्वाना। ये उसकी रजा चाहते हैं, वो इनकी रजा चाहता है। शान मुहम्मद, मकाम रिसालत का इरफान, ये अबवाब हैं, हैं? वो इनकी रजा चाहता है। तो किबला उसने मोड़ दिया आरजूए मुस्तफा को देखकर, दुआए मुस्तफा नहीं, लब से कुछ नहीं कहा, दिल में कोई बात पैदा हुई अल्लाह ने पूरा पूरी कर दी। यही शान यहां नजर आती है, कहीं कुरान में दुआ नहीं मिलती हमें कि रसूल ने कहा परवरदिगार मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा कोई वजीर बना दे,
मेरा बोझ उतार दे, मेरा बोझ हल्का कर दे। खुद आवाज आई, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं किया। वह वना अनका विजरत, क्या हमने बोझ नहीं उतारा। अब बोझ से मुराद क्या है, यह भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह, ये मुसलमान कैसा मुसलमान है, कैसी रकीक फिक्र है इसकी। बाज मुफस्सरीन ने कहा है बोझ से मुराद गुनाहों का बोझ है। मुहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए लानत के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अर्ज करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान उठा के पढ़ लीजिए। कुरान मजीद में सबसे अजीम आयत जो शान मुस्तफा में है वो आयत सलावात है, सूरह मुबारक अहज़ाब। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसके फौरन बाद सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये आयते सलावात है। लोग कहते हैं बस अच्छा कहा कीजिए, बुरा मत कहा कीजिए। अरे यह कुरान है, जाकर आज अभी सूरह अहज़ाब खोल के देखिएगा। सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 55 है आयत सलावात, आयत नंबर 56 है आयत लान। सलावात पूरी नहीं होगी जब तक के दुश्मन आने रसूल पे लान ना हो। ठहरिए, आयत सुन लीजिए, आयत सलावात सुनी, आयत नंबर 55 मुत्तसिल बिला फसल आयत, आयत नंबर 56 इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह उन पर लानत करता है दुनिया में भी आखिरत में भी। बस गुफ्तगु खत्म करने दीजिए, गुफ्तगु खत्म कर रहा हूं। ये न सोचिए नऊज़ु बिल्लाह पैगंबर पे गुनाहों का बोझ था, ये सोचना भी गुनाह है। हमारा पैगंबर वो है जिसे गुनाह तो दूर की बात है, वो भूल भी नहीं सकता, उसे सहो नहीं है, निस्यान नहीं है। कुरान गवाह है। अब वक्त खत्म हो चुका, कराची की बाज मजलिसों में मैं मुफस्सल अर्ज कर चुका हूं, सहवो निस्यान पैगंबर को लाहिक नहीं हो सकता। हमारे पैगंबर मुहम्मद अरबी को, खातमुन नबीयीन को सहवो निस्यान नहीं हो सकता। तर्के औला से इनका दामन बलंतर है, मुमकिन नहीं है वो दूसरे नबी होंगे जहां तर्के औला नजर आता होगा। हमारा पैगंबर सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, इमामुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, रहमत आलमीन है। इसके दामन कुद्स पर, इसके दामन मुनज़्ज़ह मुकद्दस पर तर्के औला का गुबार भी नहीं है, सहो भी नहीं कर सकता। गुनाह तो दूर की बात है, ये सोचना भी गुनाह है। ये बोझ क्या था, वही बोझ जो मूसा महसूस कर रहे थे, रिसालत का बोझ था। और रिसालत का बोझ कोई नहीं और उठाता, वजीर उठाता है, वसी उठाता है। आप ठहर के एक जुमला अच्छी तरह महफूज कर लीजिएगा। जितने कहते हैं मुअर्रिख, मुहद्दिस, उलमा, फुकहा, मुतकल्लमीन, जितने कहते हैं कि रसूलुल्लाह चले गए इस दुनिया से और अपने बाद किसी को अपना वजीर नहीं बनाया, वो गलत कहते हैं। कुरान की रोशनी में कुरान कहता है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, क्या हमने बोझ नहीं उतारा। क्या हमने सीना कुशादा नहीं किया, क्या हमने बोझ नहीं उतारा। बोझ उतारा जाता है वजीर पर।
अल्लाह कह रहा है हमने बोझ उतारा, अब तुम ढूंढो वजीर कौन है। इसीलिए इसी सूरह अलम नशरह की आखिरी आयतें, इसका तर्जमा भी समझने की जरूरत है, इसकी करत को समझने की जरूरत है, इसके बानी को समझने की जरूरत है। जब कहा जा रहा है अलम नशरह लका सदरक व वदअना अनका विजरक, क्या हमने सीना कुशादा नहीं किया और आपका बोझ नहीं उतारा। और आखिर में कहा जा रहा है फइजा फरगत फनसब व इला रब्बिका फरगब, इसके मानी है जब कार्य रिसालत से फारिग हो जाए तो अपनी जगह अपने जानशीन को नस्ब कर दे। मूसा ने दुआ की थी वजअल्ली वजीरन मिन अहली, मेरे लिए मेरे अहल में से कोई वजीर बना। अल्लाह ने बनाया या नहीं बनाया? कुरान कहता है बनाया, किसे बनाया? हारून को बनाया। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है हमने तुम्हारा बोझ उतारा, अब कोई कह सकता है नहीं उतारा। उतारा किस पर उतारा? उस पर जिसे रसूल का हारून बनाया था। और इस हदीस का इनकार कोई मुसलमान नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंजिलते हारून मिन मूसा, ए अली तुम्हारी मंजिलत तुम्हारी निस्बत वो है मुझसे जो हारून को मूसा से थी।